Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Sports Floor. And of course, at this time, we have to talk about cricket. कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान सेकेंड टेस्ट. पाकिस्तान क्रिकेट टीम है अंडर द स्कैनर. प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंस है अंडर फायर, मतलब बहुत सारी क्रिटिसिज्म. नाउ पाकिस्तान ने बहुत सारी मिस्टेक्स बनाई, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद. नाउ जब इमरजेंसी बटन का प्रेस हो गया है तो क्या कुछ हो रहा है, जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि अब बुलावा आया है वापस. मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद का विल वी सी हिम इन एक्शन, लग रहा है पॉसिबिलिटी है. आमिर जमाल, क्या वो फिट है या अनफिट है, ये सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट या क्लियरेंस ही होगा. उनको भी वापस बुला लिया गया है कैंप पे. सो विल वी सी हिम इन एक्शन, क्या वो एक वैल्यू ऐड करेंगे, बैलेंस ऐड करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे. एंड ऑफकोर्स टॉप ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम को भी इंक्लूड कर दिया गया है. एंड यू नो लेट्स सी, क्योंकि अब हमारी टॉप ऑर्डर तो स्ट्रगल कर रही है, तो क्या कामरान गुलाम विल बी द राइट चॉइस. हमारे एक्सपर्ट्स ईगली वेट कर रहे टू शेयर व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान कैंप. सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. एंड ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पिच, उस पर सबकी नज़र होगी. मेरे साथ स्पोर्ट्स फ्लोर पे स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त. And we have two senior sports journalists with us, Abdul Majid Bhatti and Sayyed Yahya Hosseini. Actually, Sikku, aapke paas main aaungi baatein karne, but in logo se hum log pehle updates le lete, to secret the mystery. So Yahya, what's going on? I mean, ab sabko team ke bare mein baat karni hai, kaun khel raha hai, kaun nahi khel raha. So sabse pehle to wo update de de ke Pakistan camp mein kya chal raha hai. Pakistan camp mein bahut afra tafri hai Fatma, और बड़ी उदासी है. और ख़ासतौर पर कप्तान शान मसूद अंडर स्कैनर है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव होगा क्योंकि कप्तान की हैसियत से टेस्ट मैच मुहबत नतीजे के साथ उनको ख़त्म करना है. और अगर उनको अपने क्रिकेटिंग करियर को बचाना है तो इस दूसरे टेस्ट मैच की दो इनिंग में उनको अच्छे रन करने होंगे, कम अज़ कम तीन हिंसों से कम बात बनेगी नहीं. दूसरी तरफ पैनिक बटन ऑन है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कामरान गुलाम को भी बुला लिया गया है, अबरार को भी बुला लिया गया है, आमिर जमाल को भी बुला लिया गया है. लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आया है उसमें आमिर जमाल के नाम के आगे जो ब्रैकेट है उसमें सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा हुआ है, तो आप उनको ना ही समझे कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में आएंगे. लेकिन कल जो तस्वीर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से देखने को मिली, जो वीडियोज आई हैं, बड़े बड़े पंखे दोनों तरफ दोनों एंड पर पिच के रखे गए थे, जहां पर स्टंप्स लगाई जाती हैं उससे थोड़ा सा पीछे ये पंखे रखे गए. और जिस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान का स्टाफ पिच को देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं तो सीम कंडीशन में आप स्ट्रगल करते हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश भारत में जाकर आप स्पिन पिचेस के ऊपर जो है वो रोना रोते हैं, यहाँ आप अपने घर में कैसी पिच बनाएंगे, कैसे खेलेंगे, ये आपको समझ आ नहीं रहा. और बड़े ही अजीब और गरीब अंदाज में इस वक्त हमारी क्रिकेट चल रही है. और सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखता जा और शर्माता जा. अच्छा ठीक है, चलो लेट्स होप अभी शर्मा नहीं जाए. बट आई पर्सनली मुझे लग रहा है कि जब आपको पता है कि आमिर जमाल फिट नहीं है, या आई डोंट नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, इफ़ इज़ नॉट फिट देन व्हाई शुड ही बी कॉल्ड. बट खैर एनीवे, अब इसमें क्या पीछे साइंस है हमें मालूम होगी. बट ऑफकोर्स भट्टी साहब हर कई बात करें पाकिस्तान को होम एडवांटेज की, जो हम नहीं हासिल कर सके. वी नेवर गॉट अ होम एडवांटेज, इसलिए हम लोग अपनी बैक यार्ड में अपनी पसंदीदा अपनी तरीके की पिच नहीं बना पा रहे. सो बिल्कुल जैसे याया कह रहे हैं, पिच तो बिल्कुल अंडर द स्कैनर है और अब प्रिपेयरिंग अ पिच और विल बी समथिंग दैट सबकी आंखें होंगी कि क्या पाकिस्तान कैसा कर सकता है जिसपे, और उसी के मुताबिक टीम भी किस तरह सेलेक्ट करेगा. आई मीन बहुत सारे सवाल आते होंगे अब तो. देखिए फातिमा, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सीजन है नॉर्मली सितंबर के मिड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू होता है, लेकिन हमने ये बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल सीरीज है इसको अगस्त में रखा. अच्छा अगस्त आपको पता है कि मानसून का सीजन है, कराची भी बारिशों की जद में है, पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं. आज भी जो टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन था वो बारिश की वजह से नहीं हो सका और दोनों टीमें स्टेडियम आकर वापस होटल चली गई. अब 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो टीम होटल में रखी गई हैं. तो ये जो मौसम है और धूप का ना निकलना ये भी पिच के बनाने पर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है. पाकिस्तान आज चले हम कह लें कि पिच का मसला है, हम पिछले 3 साल से 9 में से 5 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हारे हैं, 4 ड्रॉ हुए, और जो पाकिस्तान के अलावा एक और जो टीम है वो जिम्बाब्वे की है जो पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच नहीं जीत सकी. तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है. लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, जो मेरे पास इत्तलात है कि
यकीनी तौर पर खेलेंगे अबरार अहमद, ये तो तय पा गया है, लेकिन ओपनर मोहम्मद हुरैरा खेलते हैं या नहीं खेलते, अब इसका फैसला टॉस से पहले होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक जो बड़ा ब्लंडर किया, अब इस बार शायद वो नहीं करना चाह रहे, पिछले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 48 घंटे पहले 11 अनाउंस कर अबरार को और कामरान गुलाम को पाकिस्तान ए के लिए, पाकिस्तान शाइंस के लिए बांग्लादेश ए के खिलाफ रिलीज कर दिया। अब ये तय पाया है कि टॉस से पहले 11 अनाउंस होगी, तो आखिरी वक्त तक, क्योंकि मौसम का भी पता नहीं है, पिच का भी पता नहीं है, तो आखिरी वक्त तक चांस लेगी टीम मैनेजमेंट। और हुरैरा एक्चुअली कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, सो लेट्स सी उनकी इंक्लूजन होती है कि नहीं। तो चले, ये टीम तो होती मतलब क्या टीम होगी, प्लेइंग 11 विल फाइंड आउट बिफोर द टॉस। अभी तो सिर्फ हम लोग यू नो सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो गया है नहीं, बट सिक्को आई मीन जी भी जो भट्टी साहब भी हमें बता रहे हैं कि हमारे मुसलसल जो रिकॉर्ड ऑफ लूजिंग टेस्ट मैचेस अगेंस्ट टीम्स इन आवर ओन बैकयार्ड, दीज आर हैव बीन हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम्स रही हैं, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्ट एक दो इंजरीज, ये हमारे सब टॉप बैटर्स एंड टॉप बॉलर्स ने ही टेस्ट मैचेस खेले। सबसे पहले वो जो बात की ना भी बड्डी साहब ने कि अगस्त के अंदर हमारा सीजन सितंबर में शुरू होता है, उन्होंने अगस्त में शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा वायरस है, मैं जैसे याया कहते हैं ना, मैंने 1980 में क्रिकेट खेली है, 1980 में भी हम जब क्रिकेट खेलते थे हमारे ड्रॉज निकलते थे, हम मैच खेलने जब ग्राउंड पे पहुंचते थे मुल्तान, साहिवाल या सियालकोट, तो पता चलता था वो आशूरे का दिन आ गया जी, दो दिन बाद होगा मैच। ये एक पुरानी मतलब एक बीमारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पता नहीं ये लोग जब ड्रॉज बनाते हैं तो ये लोग नहीं देखते कि इस्लामी डेट्स कौन सी आ रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे दौर में होता था, अब ये सीज़न का सिलसिला शुरू हो गया, नंबर वन ये तो हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो आप पढ़ रही थी कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टीमें सेलेक्ट होंगी फला, मैं समझता हूँ कि पूरा क्रिकेट बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलना चाहिए, इन सब की छुट्टी हो जाएगी। यू चेयरमैन एज वेल एन एआई चेयरमैन, वो तो कंप्यूटर चलाएंगे ना, वो तो उसको ऑपरेट करेंगे। अच्छा 20% ह्यूमन, जैसे कह रहे 20% इंसान होंगे, तो वो भी होगा, छुट्टी हो जानी चाहिए ना। क्या उनको साउंड्स लाइक अ ग्रेट मूवी, मतलब आपको नहीं पता था कि बारिश होने वाली है, कि आपको नहीं पता था कि मुल्तान जाएंगे, आपको नहीं पता था कि कराची का स्टेडियम बन रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, भट्टी साहब ने उस दिन जो बात कही थी उनके बाद से मेरे कान एकदम से मिस्टर स्पार्क की तरह हो गए, आया करते थे ना स्टार ट्रैक में, कि भाई 4 महीने में क्या ग्राउंड बन जाएंगे, बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन में। इट्स अ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त टास्क होगा, अगर वो कर दें तो मैं तो बिल्कुल सितारे जुर्रत दूंगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम किया कि 4 महीने में पूरा स्टेडियम तोड़ दिया गया। क्या हम इंतजार कर सकते थे, ये बहस बाद में होगी। चलिए ठीक है, अब आपकी जो बात थी जो थे प्लेयर्स की, कामरान गुलाम का बोले आमिर जमान को भेजने की क्या जरूरत थी, चलें जी प्रैक्टिस कराने भेज दिया, हुरैरा भी तो करंट फॉर्म में, कामरान गुलाम ने आज से 4 साल पहले रिकॉर्ड तोड़े थे, वही तो मैं रोना रोता हूँ कि ये क्राइम होता है कि जब वो रिकॉर्ड तोड़ता है उसी वक्त उसको खिलाओ, वो इनफॉर्म होता है ना। अब हुरैरा इस वक्त इनफॉर्म है, 200 करके आया है, यहाँ 100 किए, आप उसको भी खिला नहीं रहे, अब आप उसको खिलाएंगे अगले साल तो फिर बेचारे की फॉर्म तो इन बेचारे की ख़त्म हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ जो प्रेशर आप कह रहे हैं, शान मसूद जो है मेरा ही शागिर्द रहा है 7 साल मेरे साथ, वो जब छोटा बच्चा था तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करा इसलिए कि वो मेरा शागिर्द है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको परफॉर्म करना है टू बी इन द टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 2 इनिंग्स हैं उनकी, अगर वो नहीं करेंगे, उनकी अब 25 इनिंग्स हो गई हैं, मैं कल बैठ के गिन रहा था, 25 इनिंग्स में सिर्फ 2 या 3 उनके 50 हैं, बिल्कुल नहीं है, एक ज़माने में उन्होंने 3 लगातार 100 भी किए थे, उसके बाद बिल्कुल बेचारे उनसे रन नहीं हुए, खेलता अच्छा है मगर वो अप्लाई इज अ गुड बाय इज अ गुड प्लेयर बट इट्स जस्ट वी हैवंट सीन दैट साइड, ये दिखा भी रहे हैं सॉरी ऑन द हां। अगर आप अभी इस परफॉर्म अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है लड़कों की उसके ऊपर आप बात करते हैं तो आप ये देखें कि बाबर का फॉल्ट कितना आ रहा है, उसका बल्ला ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा है, गैप बन रहा है, वो दूर से खेल रहा है। जब भी मैंने उनको कहा हुआ है प्रोड्यूसर से अगर उनकी वो स्लिप वाली जो एज मारा था उन्होंने वो दिखा दें जिस तरह वो बोल्ड दिखाएं, उनमें थोड़ा बहुत फॉल्ट चल रहा है कंप्यूटर। अगर टॉकिंग सिको आई एम सॉरी बिकॉज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू बिकॉज़ हम लोग उनके सारे स्टैट्स भी दिखा रहे हैं 2023-24 है तो 7 मैचेस जो लास्ट है। अच्छा देखिए मैं अगर टीम सेलेक्ट कर रहा हूं ना ये स्टैट्स और एक तरफ रख दूं, मैं तो उनके विजुअल देखूं ना किसी लड़के को जो कंप्यूटर या ओके वी शोइंग इट चलिए आप यू आस्क्ड फॉर इट। अब आप ये देखिएगा जब वो आउट होते हैं उनका बल्ला नहीं ये वाला नहीं ये तो खैर सॉफ्ट डिसमिसल था ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पिछला प्रीवियस है। अब ये देखें बल्ला कहाँ है उनका और पैर कहाँ है,
ये बेसिक्स हैं जो क्रिकेट के अंदर कहे थे, और जो कंप्यूटर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहलाता है वो तो फेल कर देगा। वी हैव समवन हु इज एन एआई एक्सपर्ट, वो याया, क्योंकि वो बहुत एंजॉय करे आपकी ये बात। कौन याया? 2024 के ना। याया बट ऑफ अच्छा आप याया से पूछ। मैं एक और चीज, मैं इसका डिसमिसल भी दिखाना चाहता हूं रिजवान का। अच्छा रिजवान, रिजवान ने ठीक है 171 के, रिजवान ने अच्छा 50 के, भाई कोशिश तो करता पाकिस्तान को बचाने की। आपने जो अभी मैं देख रहा था पीसीबी ने एक मुबारकबाद दी है कि आज की तारीख में आसिफ 31 साल पहले आसिफ इकबाल और इंतखाब आलम ने 190 रन की पार्टनरशिप दी थी, जिसमें उन्होंने 190 किए, उन्होंने 70 किए। भाई लंबी पार्टनरशिप तो लगाते, आप तो T20 का मैच खेल रहे थे, स्वीप पे मारे जा रहे हैं बाहर के, आपने 50 के आउट होके चले गए। चलिए ठीक है, मेरे और भी गेस्ट वेट करें, मैं उनसे भी बात कर रही थी। अच्छा या आपको एआई और नो एआई, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज टॉक एंड टॉक इज बाबर्स परफॉर्मेंस जो प्लंज होती भी हमें नजर आ रही है। देखिए फातिमा, बहुत बात हो चुकी है बाबर आजम के ऊपर, और एक चीज जो कहते हैं ना कि आपको अपने अंदर जो है वो बिल्ट इन कर लेनी चाहिए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मुनसिफ रजा अपनी बातें तो बहुत कर रहे हैं, हमें एग्जीक्यूशन दिखाई दे नहीं रही, लेकिन बहरहाल उनकी नियत के ऊपर आप सवाल उठा नहीं सकते, लेकिन वो जो काम करेंगे उसके बाद आप गुफ्तगू करेंगे। एक चीज उन्होंने आकर कही थी कि देखिए मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मैं टीम के अंदर जो है ना वो हैंकी पैंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। पूरी टीम तब्दील करना तो छोड़े, अब वो बात पर आ गए हैं कि क्या लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं इस्तीफा देकर चले जाऊं, क्या मैं 4-5 गर्दनें उड़ा दूं, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये, बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, शान मसूद हो, सऊद शकील हो, व्हाटएवर कोई भी हो, सबसे पहले तो एक चीज उनको अपने मुतमईन नजर में रखनी होगी कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान, आपका इंटेंट नजर आना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए खेलने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बेकार हो गए मोहम्मद रिजवान के वो 171 रन जो उन्होंने पहले इनिंग में किए, ब्रिलियंट खेले, सेकंड इनिंग में उन्होंने 50 किए। यार आप 2 घंटे पिच के ऊपर नहीं रुक सकते? हैरान थे जो क्रिकेट की वेबसाइट है जिस पर स्कोर कार्ड आता है, जिस पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी वहां पर शाहीन शाह अफरीदी को वो पहली गेंद पर सिंगल लेके आगे कर रहे हैं। उनको तो जब खाने का वक्फा हुआ था उस वक्त ही उनको शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि ज्यादा स्ट्राइक में अपने पास रखूंगा, डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट होता है, बट डज इट गेट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स? क्या प्लेयर्स उस इवेंट को रिस्पेक्ट देते हैं? विल द पिच हैज हैव द पिचेस डन जस्टिस टू इट और नॉट? वेल हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स हमें बताएंगे, बट लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट सम नंबर्स के हमारे टॉप स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है कायदे आजम ट्रॉफी की 2023 एंड 24 के सीजन। सो लेट्स हैव अ लुक, भट्टी साहब ने भी साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो कैन वी हैव अ लुक? भट्टी साहब आई थिंक अगर हम बैटर्स की बात करें, अभी जो थोड़ा सा कुछ एक्साइटमेंट है वो हुरैरा की ही है, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे हैं, बाकी की एवरेज और यू नो कुछ इतना ज्यादा एक्साइटिंग, फिर एज फैक्टर एंड ऑल ऑफ दैट? देखिए फातिमा, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान टीम के हेड कोच हमने अभी बनाया है जेसन गैलेस्पी। जेसन गैलेस्पी अपने साथ हाई परफॉर्मेंस कोच लेकर आए टिम नेल्सन। टिम नेल्सन ऑस्ट्रेलियन टीम के हेड कोच रहे 2.5 से 3 साल। तो इतने बड़े बड़े नाम हमने पाकिस्तान टीम में रखे लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस नहीं है। इसी तरह अब जब ये डिबैकल हुआ T20 वर्ल्ड कप का, तो चैंपियंस कप का कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पैसा भी बहुत है। जी जी, लेकिन टाइमिंग अगेन गलत है कि अभी हमने इंग्लैंड को होस्ट करना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेलने हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलने हैं, और नवंबर में पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज है इन ऑस्ट्रेलिया, अभी हम करवाने जा रहे हैं वनडे टूर्नामेंट। तो मतलब प्लानिंग पे मुझे शकूक है कि प्लानिंग बेहतर नहीं है। अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं मई जून नेक्स्ट ईयर, मई जून में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी 4-day क्रिकेट करवाना। अभी तो देखें ये प्लेयर इसलिए नीचे लगे हुए कि टीम हार रही है, इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं साला साल से इमरान खान से लेके आज तक जितनी भी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स आए, जब ये क्रिकेटर्स परफॉर्म करते हैं
फिर ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देते। आज ये इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि इनको पाकिस्तान टीम में जगह बरकरार रखने के लाले पड़े हुए। मजा तो तब आएगा जब ये सेंचुरियां बनाएंगे, पाकिस्तान को जितवाएंगे, फिर क्रिकेट बोर्ड इनको चैंपियंस कप में लेकर आएगा, तो फिर मैं वहां क्रिकेट बोर्ड को सलूट करूंगा। इस वक्त तो इनको आप जहां बोलेंगे ये खेलेंगे। देखें, आपने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखा, तो हारिस रऊफ क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट खेल रहे? पाकिस्तान का जो सबसे तेज बॉलर है वो फाइव डे क्रिकेट नहीं खेल रहा, या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अब जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसकी कैटेगरी चेंज करें। मेरे ख्याल में हम वनडे और T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैच की टीम बना रहे हैं, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान देगा। आई थिंक आपकी फास्ट बॉलिंग पे सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स उनकी फिर इंजरीज एंड इज नॉट टचिंग, यू नो बेयरली टचिंग 140। उसके बाद हारिस रऊफ कहते हैं मुझे लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना है। एहसानुल्लाह सिकू ही इज नॉट, यू नो उनकी इंजरी है, फिर ऑब्वियसली ही हैजंट रिकवर्ड। हसनैन हो गए, यू नो, तो ये लॉन्गर फॉर्मेट ना खेलने वाली भी बातें एक समथिंग इज, हमने इसको नॉन सीरियस लिया था बात, इश्रिम ने वेरी सीरियस मैटर एंड शाहीन के भी नंबर्स दिखा रहे हैं व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट हिज लास्ट 5 मैचेस। इन लोगों को सब रहने दें। अच्छा नहीं, अभी आपने कायद आजम ट्रॉफी के जो दिखाए थे 5 टॉप प्लेयर्स में एक असद शफी के जो सिलेक्टर है, सरफराज है, ये तो फिर मैंने एज वाला बोला था। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मतलब है कि जो टॉप प्लेयर हैं आपके 5, उनमें से एक सेलेक्टर है, एक मेंटोर नंबर 1। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, खुदा बता करे भट्टी साहब, ये मैं उनको आइडिया राइटिंग में देकर आया हूं जो मीटिंग में, और उसका नाम मैंने पेंटेंगुलर रखा था, उन्होंने उसको चेंज करके वो कर दिया था, और उसमें मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी भट्टी साहब कि भाई आप अभी इस महीने में करा दें ताकि आपको सबका पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। नंबर अब हारिस रऊफ का जो आपने जिक्र किया, यार मैं हैरान हूँ कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो शख्स पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, आप दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 10% ऑफ द अमाउंट। भैया जब आप पाकिस्तान जो असल क्रिकेटर आप खेलना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ 4 ओवर के क्रिकेट खेल के पैसे इधर से बनाए पैसे उधर से बनाए। अभी भी आपने लोगों को NOC दी, क्यों दी, क्यों दी, क्या ये डिजर्व करते थे अपनी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के लिए दी आपने उन सबको NOC दे दी, क्यों दी, आपको नहीं देनी चाहिए थी। आप बोलते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी है पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए डैम के है आपने, उन्होंने 0 परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए और आपने सबको NOC दे दी, तो उनको क्या फिक्र है? सर आप पैदा करें फिक्र, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऐसा सिस्टम नहीं बनाएगा कि लड़का सोचे कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए करना है, भाई उनको क्या फिक्र है? वो जाएंगे पैसे बनाएंगे डैम के, उनको क्या फिक्र है? ना वो हारिस रऊफ खेलना चाहता है, अब ये लड़के जो हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी सब कैरेबियन लीग खेलने जा रहे हैं, क्यों भाई यहाँ पे क्रिकेट हो रही है आप क्यों भेज रहे हैं उन्हें? आप रोकें उनको, सजा के तौर पे रोकें, मगर आप ये तो काम आपका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिकेट बोर्ड में लगा दें। ठीक है, एंड यू नो क्योंकि आप लोग ये बात, आई वॉन्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एक्सपर्ट भी, बेचारी आपको हम AI में कन्वर्ट कर, किसी ने लिखकर भेजा है कि वो भी इंसान ही चलाएंगे ना यहाँ बैठ के, वो गलत फीट कर देंगे तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, अच्छा अब या अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे, अभी यू नो विल कम टू बोलर्स अगेन, बट थोड़ी सी हमने बैटर्स की हम बात कर रहे थे, तो अभी थोड़ा हम कह रहे हैं यू नो शान मसूद इज अंडर द स्कैनर, साइम अयूब को भी थोड़ा पेशेंस अब दिखाना पड़ेगा, अब्दुल्ला शफीक आपके यू नो इतने प्रॉमिसिंग और टॉप ऑर्डर बैटर है, मगर मैं वही देख रही थी वो एवरेज कर रहे हैं 27 मिनट्स लास्ट 19 इनिंग्स। सो ये सब कुछ बातें भी हमें करनी है, हम लोग तो बिग स्टार्स की बात करें, मगर ये जो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है इनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, दे हैव बीन गॉट इन देयर चांसेस। देखिए फातिमा, आपने जो सवाल किया है कि शान मसूद डिलीवर नहीं कर रहे, साइम नहीं डिलीवर कर रहे, बाबर 14 इनिंग से 50 नहीं कर सके हैं, देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, वो बड़े पावरफुल कैंडिडेट थे, उन्होंने सूर्या कुमार यादव को T20 का कैप्टन बना दिया, उन्होंने ईशान किशन जिन्होंने जिम्बाब्वे में T20 क्रिकेट में 100 किया उनको टीम में ही नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी शुभमन गिल है, विराट कोहली आ गए हैं, रोहित शर्मा है, तो उन्होंने कहा कि इनकी टीम में जगह बन नहीं रही है। बात दरअसल ये है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी बस की तरह चल रही है, जाना आपने लांडी है और आप गुलशन की बस में सवार हो गए हैं, जब कंडक्टर आपसे टिकट लेने के लिए आया तो आपने कहा कि 2 टिकट दे दीजिए, उसने कहा भाई बस तो लड़ी जा ही नहीं, तो आप बीच रास्ते में उतर जाए। अभी देखिए आप खिलाड़ियों की कारकर्दगी की बात कर रही हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो चैंपियंस लीग का कॉन्सेप्ट है ये इंतहाई पैथेटिक कॉन्सेप्ट है, मैं उतनी बात करता हूँ जितना मुझे पता है, जितना मेरे पास जो है वो एविडेंस है। देखिए आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो कायद अजम ट्रॉफी है, कायद अजम ट्रॉफी के होते हुए कैसे 4 दिन की क्रिकेट चैंपियंस लीग हो सकती है? पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है T20 क्रिकेट का, पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन होने वाला है,
उसके होते हुए आप कैसे चार दिन का चैंपियंस लीग का टूर्नामेंट करा रहे हैं टी20 फॉर्मेट? कहां चैंपियंस लीग फॉर्मेट जो है वो वनडे क्रिकेट में हो सकता था, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे का कोई टूर्नामेंट नहीं है। फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल की? मुल्तान सुल्तान के लिए उसामा मीर ने। आपने उनको वर्ल्ड टी20 की टीम में नहीं रखा। अब आप ये फरमा रहे हैं कि जी आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई पाकिस्तान की तारीख 77 साल की है, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख 70 साल की है। पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, 2009 में वर्ल्ड कप जीता, 2012 में एशिया कप जीता, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नंबर वन टीम है। आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये ऐसी बन गए, हवा में बन गए? ये जो आपने 150 खिलाड़ियों का पूल बनाया, ये किधर से आ गए? ये क्या कंप्यूटर ने अपनी तरफ से निकाल के आपको दे दिया? ये वही परफॉर्मर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, और क्या अभी इस बात की गारंटी है कि चैंपियंस लीग की आप रट लगाकर बैठे हुए कि चैंपियंस लीग में आप परफॉर्म करने वालों को मौका देंगे? कौन ये गारंटी देगा कि चैंपियंस लीग में परफॉर्म करने वाले जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे? एब्सोल्युटली नहीं दे, ये तो बिल्कुल सर। अच्छा टॉप बॉलर्स याया को, याया बॉलर्स भी दिखा दे साथ। ये जो पेंटेंगुलर होता था याया, हमारे दौर में 1980 के अंदर ये ऐसा होता था कि कायद अजम ट्रॉफी होती थी, उसके दो चैंपियंस आते थे, ठीक है, फिर एक होती थी पैटर्न ट्रॉफी, उसके दो चैंपियंस आते थे और एक बीच का कोई एक चैंपियन होता था। इन पांच टीमों का मैच होता था। ये ऐसे नहीं होता था कि टीमें क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट करता था, राइट? जो कायद अजम ट्रॉफी के, जो मैंने सबसे पहला ट्रॉफी खेली थी वो पेंटेंगुलर खेली थी, जहीर अब्बास हमारा कप्तान था, मैं सिंध की टीम में था, सिंध की टीम थी, पीआईए की टीम थी, उसमें नेशनल बैंक की टीम थी, रेलवे की टीम थी और एक और टीम थी, मुझे याद नहीं आ रहा, पंजाब पॉइंट से, हाँ। मतलब जो सिलेक्टेड लोग होती टीमें होती थी वो खेलती थी, लड़के सेलेक्ट नहीं किए जाते थे उसमें, ठीक है। अच्छा चले हम लोग बॉलर्स की बात कर रहे थे, चले सिकु लेट्स हैव अ लुक एट कायद अजम ट्रॉफी 2023-24 के बेस्ट बॉलर्स। वी हैव खुर्रम शहजाद विद अस, अभी जो शाहीन शाह, खुर्रम शहजाद और नसीम शाह का ट्रियो बना हुआ है, एंड देन वी हैव मीर हमजा, मोहम्मद अली, काशिफ अली एंड अली शफीक। जस्ट कंसर्निंग हाउ हमारे पास हमारे पेसर्स उस तरह परफॉर्म नहीं करे, क्यों हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करें? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए जो हमारे जो पेसर्स थे वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा है, मुझे जो फोकस उनका जो है ना वो कमर्शियल बातें, आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, इसके अंदर फंस के रह गए। मैं एक किस्सा सुनाया था जियो पाकिस्तान में, अगर आपके पास टाइम है तो जल्दी से सुना दूं। I only have few seconds, मगर आप छोटी छोटा कर सकते हैं, AI version? नहीं, AI नहीं होगा ये, आप जब अगली दफा होगी ना तो फिर। चले सही है, ठीक है। अच्छा चले, let's just have one last word from all of you। आप लोग कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बट्टी साहब, let's start with you। बस आप सबके पास 20 seconds है, क्या देखना चाहते हैं कल? पिच कैसे दिखना चाहते हैं? पिच का तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आज भी बारिश है, लेकिन पाकिस्तान को पैनिक नहीं करना है। ओके। और हाल में तीसरी होम डिफीट से बचने के लिए पाकिस्तान को एक मेरे ख्याल में प्रोफेशनल अंदाज में खेलना होगा, वरना हमारे जो क्रिकेट सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं उसमें मजीद तेजी आ जाएगी और काफी सीरियस कंसर्न है सब लोग। अच्छा अब ये भी खबर आ रही है कि पीसीबी के चैंपियंस इवेंट्स में नदीम खान चैंपियंस इवेंट्स के डायरेक्टर होंगे। दिस इज जस्ट कन्फ्यूशियल बात, ऑफिशियल बात नहीं है, ऑफिशियल बात नहीं है, बट हमें ये बातें खबरें मिल रही हैं। अच्छा एनीवे याया, व्हाट डू यू वांट टू सी टुमारो? समथिंग डिफरेंट। कश्तियां जलाकर आगे जाना होगा फातिमा, पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश खत्म। मगर हम तो पिंडी में हैं, अपने शहर में कहां जाएंगे? अपने शहर में आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है? भाई मैं तो ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह ये मैच जीते, हम बहुत बुरी तरह फंस गए, बहुत बुरी तरह हमारी क्रिकेट और कोई रेस्क्यू करे, हमारे पास कुछ आगे जाने को समझ भी नहीं आ रहा है। उन्होंने तो कह दिया हमारे पास पूल ही नहीं है प्लेयर का, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बनेगा। आई एम स्केर्ड। तो हमें हर हाल में थोड़ा सा ये मैच जीत जाए तो थोड़ी सी हिम्मत बने। सही है। चैंपियंस वनडे के बाद पूछ रहे लोग भाई 12 सितंबर से शुरू होगा फैसलाबाद में, सो विल गिव यू मोर डिटेल्स, बट कल वनडे है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट होगा, हम आपको अपडेट करेंगे। मैं जानना चाह रहा था सिकंदर बक्से कि इन्होंने क्या चेयरमैन को ये कहा है कि आप इस्तीफा दे दें, वो कह रहे थे कि बहुत सारे हम लोग बात करते हैं, हमारे शो खत्म हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।